नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। चलिए नजर डाल लेते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों पर। आगरा में ताजमहल फतेहपुर सीकरी देखने जो भी टूरिस्ट आते हैं वो शाहजहां मुमताज की कब्रें और अकबर का किला जरूर याद करते हैं, लेकिन अब डिजिटल म्यूजियम के जरिए टूरिस्ट इनके साथ कुछ समय बिता सकेंगे। यहाँ इन मुगल बादशाहों के अलावा ब्रज की धरोहर के स्टैचू भी लगे होंगे। इससे मुगल काल के साथ ब्रज की संस्कृति की यादें भी ताजा हो सकेंगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक छात्रा द्वारा लगाए गए मिसकंडक्ट के आरोप में लखनऊ विश्वविद्यालय पर 2,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। छात्र का आरोप था कि उसके दोष के बारे में कोई निश्चित और ठोस निष्कर्ष निकाले बिना विश्वविद्यालय ने उसका परिणाम रोक दिया था। यूपी के बरेली में बिथरी के भरलौत गाँव में एक उपलब्धि हासिल की है। भरलौत गेस्ट हाउस वाला प्रदेश का पहला गांव होगा। भरतौल गांव में 25,000 वर्ग मीटर में गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत ने गेस्ट हाउस का डीपीआर तैयार कर पंचायती राज अधिकारी को सौंपा है। यूपी के 49 जिलों में प्राकृतिक खेती शुरू कराने के प्रस्ताव को केंद्र से पारित होने का आसार है। केंद्रीय आम बजट में प्राकृतिक खेती से 1 करोड़ किसानों को जोड़ने के प्रस्ताव के बाद प्रदेश में प्राकृतिक खेती के रफ्तार बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है। बड़ा राज्य होने की वजह से प्रदेश को बजट में प्रविधानित राशि बड़ा हिस्सा प्राप्त होने की संभावना है। डीपी प्रशांत कुमार ने बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन व पुलिस व्यवस्था के लिए 23 जुलाई को मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया है। इसमें भगदड़ से बचाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आयोजन के दौरान राज्य पात्रित अधिकारी व स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रभारी नियुक्त किया जाए। आसमान में जितनी ज्यादा संख्या में ड्रोन मंडराते नजर आ रहे हैं उनमें उतनी ही तकनीकी खराब होने से गिरने का खतरा पड़ रहा है, लेकिन इन खतरों को रोकने के लिए कानपुर के आयुक्त पैराशूट फैक्ट्री ने छोटे पैराशूट का निर्माण तेज कर दिया है। ड्रोन के फ्री फॉल होते ही जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल ड्रोन पर लगेगा तत्काल ही पैराशूट खुल जाएंगे और धीमी गति से ड्रोन की सेफ लैंडिंग हो जाएगी। चीन में हुए एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर तिरंगा लहराने वाली शॉटपुट खिलाड़ी किरण बलियान ने वीडियो जारी कर CM योगी आदित्यनाथ से नौकरी की मांग की है। किरण बलियान ने बताया है कि चीन में एशियाई खेलों के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया था और नौकरी देने का वादा किया था। रेलवे ने एक अच्छी पहल की है। अब AI तकनीक से रेलवे के बेस किचन में भोजन बनाया जाएगा। वाराणसी मंडल के 3 स्टेशन पर बेस किचन बने होंगे। इन हाईटेक किचन में AI तकनीक से भोजन पकाया जाएगा। किचन में अगर शेफ ने अपने सिर पर कैप उतारी तो AI कैमरा तुरंत अलर्ट करेगा। इसके साथ ही PP मॉडल पर नामी कैटरिंग कंपनी इसका संचालन करेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेनो वेस्ट में 80 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाने का फैसला किया है। इस STP के चालू होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टरों व गांवों को निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। चिकन पॉक्स के लक्षण दिखने पर मरीजों को आइसोलेट करने को कहा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें बातें यूपी के साथ। नमस्कार।